2 जून 2016 को हुआ जवाहर बाग कांड, शायद मथुरा की इस जगह को अब इसी नाम से जाना जाएगा। हो भी क्यों ना, सपराज में हुए इस कांड पर अखिलेश यादव ने चुप्पी जोश साध रखी थी। गाजीपुर के रहने वाले राम वृक्ष यादव ने सत्याग्रह के नाम पर अवैध रूप से जमीन पर कब्जा लिया। ये जमीन थी राजकीय उद्यान विभाग की। राम वृक्ष कब्जा करने के बाद ये जमीन खाली करने को तैयार नहीं था। जब कोई सरकारी अफसर उसे खाली कराने जाते तो राम वृक्ष उससे गाली गलौज करता था। जातिवाद की राजनीति में तत्कालीन अखिलेश सरकार चुपचाप ये तमाशा देख रही थी, लेकिन जब कोर्ट ने सरकार को लताड़ा तब जाकर प्रशासन जमीन खाली करवाने पहुंचा। डीएम और आला अधिकारियों ने जब गेट खोलकर अंदर जाने की कोशिश की तो पेड़ पर चढ़कर बैठे राम वृक्ष समर्थकों ने फायरिंग शुरू कर दी। इस हिंसा में 2 पुलिसकर्मी समेत 40 लोग जख्मी हुए थे और 2 पुलिस अफसर समेत कुल 23 लोगों की हत्या हुई। जब पुलिस ने फायरिंग शुरू की तो राम वृक्ष अपने दफ्तर में आग लगाकर फरार हो गया और इसके बाद शुरू हुआ आगजनी का सिलसिला, जिसमें राम वृक्ष समर्थकों ने एक एक कर पूरे टेंट में आग लगा दी और उसमें रखे सिलेंडर और बारूद फटने लगे और भयंकर तबाही मच गई। जब तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश से इस बारे में सवाल किया गया तो जनाब का कहना था कि चूक हो गई। ये सच्चाई सभी को पता है कि तत्कालीन सरकार ने ही हथियार से लैस इस बदमाश को पाल रखा था। जवाहर बाग कांड अखिलेश और उसके पालतुओं के दंगा परस सोच का सबसे बड़ा उदाहरण है। ये इस बात का सबूत है कि अगर ये लाल टोपी वाले सत्ता में आए तो फिर से ये प्रदेश को दंगों की आग में झोंका जाएगा।